News 18, India. बिहार में सियासी उथल पुथल पर बड़ी खबर आपको बता दें, जितेंद्र राम मांझी के बेटे संतोष तुमन मांझी ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 इंडिया से उन्होंने खास बातचीत की, कहा कि हम एनडीए के साथ हैं और उन्हें किसी तरह का कोई ऑफर नहीं मिला है। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि आरजेडी की तरफ से उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है, और बड़ी खबर मौजूदा संकट जेडीयू की तरफ से, ये बीजेपी की तरफ से बयान आया है, सरकार बनाने में जल्दबाजी नहीं की जाएगी, बीजेपी ये बड़ी बात बोलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि जो घटनाक्रम है बिहार में वो तेजी से बदल रहा है, और ऐसे में आला कमान का जो ये संदेशा है, न्यूज 18 इंडिया संवाददाता अमित पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित, आला कमान का संदेशा ये है कि सरकार बनाने में जल्दबाजी ना करे बीजेपी, इसको किस तरीके से हम देखें मौजूदा घटनाक्रम से जोड़कर? देखिए, मौजूदा घटनाक्रम से इसको जोड़कर ऐसे देख सकते हैं कि अभी जल्दबाजी फिलहाल नहीं होनी चाहिए, और उससे भी आगे एक चीज़ है कि सरकार जब बनेगी तो बीजेपी की ही शर्तों पर बनेगी, क्योंकि इस बार जो टॉप लीडरशिप ने स्थानीय बीजेपी नेताओं को ये कहा है कि जो कम्युनिकेशन आया है जदयू की वजह से ही मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है, तो इसलिए अब हम चूंकि बड़ा दल है वहाँ पर और हमारा भी जनाधार है वहाँ पर, तो इसलिए जो भी फैसला हम लेंगे वह संगठन के सर्वोच्च हित में होगा, संगठन के शर्तों के हिसाब से होगा, और उसी के मुताबिक अगर बात आगे बढ़ती है तो गठजोड़ होगा और सरकार भी उसी के मुताबिक चलेगी। लबोलबाब यही है कि बीजेपी की शर्तों के मुताबिक ही यह पूरा गठजोड़ बनेगा, सरकार बनेगी अगर बात आगे बढ़ती है तो। इसका मतलब ये है कि बीजेपी अपर हैंड चाहती है और बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में बिहार के अंदर दिखाई देने वाली है, कुल मिलाकर तो यही मानकर चले। जी बिल्कुल, न केवल बड़े भाई और अपर हैंड की बात है, उससे भी आगे की राज्य में जो भी राजनीतिक परिस्थितियां होंगी और सरकार बनने की सूरत में अगर शासन होगा तो यह बीजेपी के जो दृष्टि है, बीजेपी का जो विजन है, बीजेपी का जो एजेंडा है उसी के मुताबिक होगा, और आने वाले दिनों में जो निर्देश जिस तरीके से अलग अलग रही है। हमारे साथ चंद्रमोहन भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, जो ये आला कमान का संदेशा है इसको इस तरीके से देखें कि अब बीजेपी की शर्तों पर सरकार चलेगी बिहार में? बिल्कुल, देखिए, और उसी तरफ इशारा भी हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से लगातार जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बातें चल रही थी, लेकिन बीजेपी जब तक अपनी तैयारी नहीं कर लेती है, बीजेपी अपने शर्तों पर नीतीश कुमार को नहीं मनवा लेती है, तब तक सरकार में आने की कोई बात नहीं हो रही थी। और देखा होगा आपने कि कल शाम में यहाँ से बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो दिल्ली पहुँचे थे, जो अमित शाह के साथ मुलाकात किए, उनके साथ बैठक हुई, बातचीत हुई, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर और नए गठबंधन के साथ सरकार में आएंगे, और 28 तारीख का तारीख मुकर्रर की गई है। जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक उसमें ये कहा जा रहा है कि 28 तारीख को नए गठबंधन के साथ नई सरकार में नीतीश कुमार आ सकते हैं। तो इस बार नीतीश कुमार को बिल्कुल ठोक बजाकर, जिसको कहा जाता है बीजेपी के तरफ से, तब सरकार में आने की बात हो रही है, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार इससे पहले बीजेपी को धोखा दे चुके हैं। चंद्रमोहन, एक चीज और अगर आंकड़ा हम देखें तो एक तरफ जो हम देख रहे हैं 5 ज्यादा हैं तो दूसरी तरफ 6 कम हैं, यानी कि आंकड़ा बहुत आसान नहीं है जुटाना। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, 74+ VIP से आए 3, 77 हो गए, और जेडीयू के पास 43+ BSP का 1, LGP का 1 और 45 निर्दलीय 1, कुल मिलाकर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का 4 मिला लीजिए 127। आपको सबको जोड़कर रखना है तभी आप बना पाएंगे, इतना आसान जेडीयू के लिए भी नहीं है। अगर एक भी विधायक इधर उधर हुआ तो फिर आंकड़ा जुटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बीजेपी के लिए भी, जेडीयू के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। बिल्कुल, देखिए, राहें उतनी तो आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही यह बात सामने आई है कि नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं, बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जो है उनके साथ रहेगी, इसी दौरान लालू यादव ने मोर्चा संभाल लिया, और उसके बाद हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा को अपने पाले में डालने के लिए उनको ऑफर भी दे दिया। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक लेफ्ट के 2 विधायकों को भेजा गया था जीतन राम मांझी के घर पर बातचीत करने के लिए। क्या बातें हुई अब तक खुलकर ये सामने नहीं आ रही है, तो दोनों के लिए उतनी आसान राहें नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, बीजेपी और जेडीयू अगर साथ रहती है तो सरकार सहज आराम से चल सकती है और सरकार बन भी सकती है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन अगर लालू यादव सरकार बनाना चाहते हैं
एक मिनट रोक रहे हैं आपको, बड़ी खबर मिल रही है, जीतन राम मांझी के बेटे का बड़ा बयान सामने आया है। संतोष सुमन मांझी ये कह रहे हैं कि एनडीए के साथ हम थे, एनडीए के साथ हम रहेंगे और किसी भी तरह का कोई ऑफर हमें नहीं मिला। न्यूज 18 इंडिया पर खास बातचीत उन्होंने की और स्पष्ट रूप से ये बात बताई कि ऑफर तो मिला ही नहीं है, मिलता है तब भी रहना हमें एनडीए के साथ ही है। तो जी आप ही से समझ लेते हैं आगे क्या घटनाक्रम होने वाला है। जीतन राम मांझी सबसे पहले थे 19 तारीख को जिन्होंने ट्वीट किया और कहा कि देखिए मैं अपने विधायकों को पटना बुला रहा हूं और अब वही सबसे पहली भविष्यवाणी कर रहे थे, खेला होगा। देखिए खेला हुआ होगा क्या होगा ये तो भविष्य में है, लेकिन इतना हम लोग जानते हैं कि जो भी घटनाक्रम पर है उस पर पैनी नजर रखे हुए हैं और जो मार्केट में इस तरह की बातें चल रही है, हम एक लाइन में आपको आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से कि हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए के साथ हैं और एनडीए का जो डिसीजन होगा उस डिसीजन में हम लोग हैं। बाकी इस तरह की बातें जो आ रही है जा रही है, ना हम लोग से कोई संपर्क किया है ना कोई बात किया है, अभी तक हमको कोई जानकारी भी नहीं है क्या घटनाक्रम है, लेकिन हम जहां रहते हैं पूरे मुस्तैदी के साथ रहते हैं और उसमें हम लोग कहीं नहीं, हमारे चार ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको जानकारी नहीं है या फिर आप मीडिया में नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि आरजेडी ने जो ऑफर आपको दिया है डिप्टी सीएम का उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हमको कोई ऑफर ऐसा नहीं आया, इस पर क्या प्रतिक्रिया, जब मेरे पास ऐसा कोई ऑफर ही नहीं आया तो इसकी प्रतिक्रिया कैसे दे सकते। लेकिन आरजेडी के साथ जाने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? भविष्य में ऑफर मिलता है तो आरजेडी के पास जा सकते हैं? नहीं, देखिए एक विचारधारा की लड़ाई होती है और हम लोग की विचारधारा आरजेडी से राष्ट्रीय जनता दल से नहीं मिलती है और हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि उधर जाएंगे। हम जहां हैं वहां खुश हैं और हर तरीके से खुश हैं और संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। अगर जाना पड़ा है किसी के साथ तो आरजेडी के साथ किसी भी स्थिति में नहीं जाएंगे ये तय हम मान ले, किसके साथ फिर जाना जा सकते हैं? नहीं है क्योंकि राजनीति तो संभावनाओं जी संभावनाओं का तो एनडीए के साथ है, राजनीति संभावनाओं का खेल है लेकिन कुछ उसूल भी होता है। तो हम एनडीए के साथ हैं, जिनके साथ हम हैं उसके साथ रहेंगे, ये कहीं एनडीए जहाँ जा रही है उनके साथ हम हैं। कोई ऑफर मिल रहा है, डेप्यूटी सीएम की खबर आ रही है, हमको एक और ऑफर, डेप्यूटी सीएम, दो डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं अगर एनडीए के साथ सरकार बन रही है तो नीतीश कुमार की, कुछ है ऐसा? ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है, आप ही लोग के माध्यम से इस तरह की खबरें हम लोग पढ़ रहे हैं, विधिवत कोई खबर हम लोग के पास नहीं है कि क्या माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए में आ गए हैं कि नहीं आए हैं, इसकी भी खबर नहीं है। जब भी ऐसी होगी तो हम लोग निश्चित तौर पर हम लोग बताएंगे और हम लोग लेकिन एक बात स्पष्ट करते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे, इसमें कहीं पर कोई बात ही नहीं है। कोई इस तरह का भ्रम फैला करके हम लोग को अथी करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों से हम लोग को और आप लोग को भी सावधान रहना चाहिए कि एक लाइन में हम कहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण आपका ये बयान संतोष जी हो जाता है क्योंकि आपने जैसे ही कहा कि परिस्थिति कोई भी हो, ऑफर कोई भी हो, आरजेडी के साथ हम नहीं जाएंगे, स्थिति इसी के साथ ये भी स्पष्ट हो जाती है कि फिर तेजस्वी यादव की सरकार तो गई, उनके हाथ में तो फिर कुछ नहीं बचा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आप ही लोग रहने वाले हैं संतोष जी ऐसी स्थिति में। उनकी बात हो जाने, आपको मैं याद दिलाता हूँ जब एक गठन हुआ था विधानसभा का उस समय भी हम लोग पास ऐसे ऑफर आई थी लेकिन हम लोग कभी नहीं गए थे, हम जहाँ हैं वहाँ रहते हैं, बाकी कोई बात की हम लोग को जानकारी नहीं।